हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। तो अभी है मॉर्निंग का टाइम और आप देख सकते हो कि हम रेडी हो चुके हैं और रेडी होके कहीं जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं आपको ये आगे के ब्लॉग में पता चल जाएगा। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रजेश मेहरा व्लॉग्स और मैं हूँ रिचा। आज से आप लोगों को फिर से ट्रैवलिंग व्लॉग्स देखने को मिलेगा, बट इस बार ट्रैवलिंग में बहुत सारे चेंजेस है क्योंकि इस बार मैं जा रही हूँ मेरी मम्मी के साथ। मम्मी हाय। एंड इस बार हम ट्रेन पे नहीं जा रहे हैं, हम जा रहे हैं फर्स्ट टाइम फ्लाइट से। एक्चुअली हम लोगों को फ्लाइट में जाने से बहुत ज़्यादा डर लगता है, तो गाइज इस बार की जर्नी बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होने वाली है और फर्स्ट टाइम फ्लाइट में हमारा एक्सपीरियंस कैसा होता है ये भी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। एंड हम कहाँ जा रहे हैं वो भी आप लोगों को बहुत ही जल्द पता चल जाएगा, तो गाइज हमारे ब्लॉग्स में बने रहे। तो गाइज़ हम पहुंच चुके हैं एयरपोर्ट और मेरे हस्बैंड मुझे और मेरी मम्मी को एयरपोर्ट छोड़ने गए हुए थे। इस बार फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि मैं अपने हस्बैंड को अकेले छोड़ के बाहर जा रही हूँ और फर्स्ट टाइम मैं मम्मी के साथ अकेले जा रही हूँ। तो हम एयरपोर्ट के अंदर पहुंच चुके हैं और हम फर्स्ट टाइम आ रहे हैं। मम्मी ने भी कभी फ़्लाइट में ट्रैवल नहीं किया है और मैंने भी नहीं किया है। मुझे ऊंचाइयों से बहुत ज़्यादा डर लगता है, इनफैक्ट मैं कभी हवाई झूले पर भी नहीं बैठती हूँ। मैंने तो डिसाइड किया था कि मैं लाइफ में कभी भी फ़्लाइट से कहीं नहीं जाऊँगी, बट मेरी मम्मी को बहुत ज़्यादा मन था इसलिए मुझे जाना पड़ा। और यहाँ पे हमारा बोर्डिंग पास भी आ चुका है। हम अभी रायपुर के माना एयरपोर्ट पर हैं और हमें गेट नंबर 6 से एंटर करना है। जैसे जैसे हम फ्लाइट की तरफ आगे बढ़ रहे थे, मम्मी और मैं एक दूसरे का फेस देख रहे थे कि पता नहीं हम कैसे ट्रैवल कर पाएंगे। हम दोनों को ही थोड़ा सा डर लग रहा था, थोड़ी सी एक्साइटमेंट थी कि फर्स्ट टाइम फ्लाइट से जा रहे हैं। हम एक दूसरे को ही झूठी हिम्मत दे रहे थे कि चलो कुछ नहीं होता, क्या ही हो जाएगा, बट मैं सच बताऊँ तो दोनों को ही बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। तो गाइज़ आप यहाँ पर देख सकते हो कि जिस रास्ते से हम जा रहे हैं वहाँ पर पहले से फ़्लाइट आ चुकी है और जहाँ से हम एंटर कर रहे हैं डायरेक्ट हम फ़्लाइट के अंदर ही एंटर करेंगे। तो ऐसे चलते चलते हम डायरेक्ट फ़्लाइट के अंदर चले गए। अंदर एंटर करने के बाद मैंने मेरी और मेरी मम्मी की सीट देखी और हम अपनी अपनी सीट पर जाके बैठ गए। उसके बाद हमने अपना सीट बेल्ट लगाया। जब तक के फ़्लाइट स्टार्ट नहीं हुई थी तब तक के तो कुछ भी नहीं लग रहा था, हम बहुत अच्छे से बैठे हुए थे आराम से। बट हमें बस इस बात का बुरा लग रहा था कि मम्मी और मुझे एक भी विंडो सीट नहीं मिली और सीट एक साथ भी नहीं मिली। आप देख सकते हो कि मेरी मम्मी मेरे पीछे वाले सीट पे बैठी हुई है और मैं सामने वाली। अब आप देख सकते हो कि आपको बादल नज़र आ रहे होंगे क्योंकि हम पहुँच गए हैं आसमान में। तो गाइज़ मैं सच बोलूँ तो जब फ़्लाइट नीचे से ऊपर जा रही थी तब तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लगा और ऊपर जाने के बाद हमारे कान भी बंद हो चुके थे। तो हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस उतना भी ज़्यादा बुरा नहीं था। और जिनको भी झूलों से डर नहीं लगता, जिनको झूले पे जाके बहुत मज़ा आती है, उनको फ़्लाइट में बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा। तो फाइनली हम पहुँच चुके हैं रायपुर से लखनऊ, जिसमें हमको 1 घंटे 15 मिनट का टाइम लगा। फ्लाइट से नीचे उतरने की खुशी तो आप मम्मी और मेरे फेस पे देख ही सकते हो। सफ़र तो अभी शुरू हुआ है।